हेलो दोस्तों बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट सी बाइनो और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है जो वन परसेंट टी डी जो कंफर्म हो चुका है ऑलरेडी जो कि एक जुलाई से अप्लाई भी होने वाला है ऑन द एक्सचेंज इट चाहे वो कोइन स्विच कुबेर को हो चाहे वजीर एक्स हो चाहे कोई भी इंडियन एक्सचेंज हो या कोई फॉरन एक्सचेंज हो वहाँ पर भी ये चीज़ लागू होने वाली है और वो किस तरह से रहने वाला है सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मार्केट की बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है और ग्रीनरी भी है दोस्तों जो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था दोस्तों कि ये दो चीजें दोस्तों काफी यूनिक होती है मार्केट के अंदर देख पाना जैसा कि ट्रेंडिंग में जो कॉइन होता है जैसा कि टॉप थ्री है पर हमेशा आपको मैं दिखाता रहता हूं कल तक दोस्तों पर बी ट्रेंड में था उसके अलावा दोस्तों एक सेल्सियस था अपने फ्लक्चुएशन की वजह से साथ ही साथ दोस्तों अपने बर्निंग की वजह से एल्युएंसी क्योंकि एलुएंसी की जो कम्युनिटी वो कंटिन्यूसली बर्निंग की डिमांड कर रही और साथ ही साथ जो उसका एक प्रपोजल इंप्लीमेंट हुआ है जहां पर हर एक्सचेंजेस में एक मकैनिज्म इंप्लीमेंट होने वाला है जिसकी वजह से एल्यूएंसी जो टेरा क्लासिक टोकन है उनकी बर्निंग होने वाली है तो वो उस चीज के रिगार्डिंग वो भी ट्रेंड में चल रहा था लेकिन आज देखिए दोस्तों अब कल भी दोस्तों यही चीज था कि कल जो सारे के सारे जैसा कि लूना हो चाहे हो, चाहे तीनों तीनों के तीनों ग्रीन सिग्नल दे रहे थे और आज भी यही चीज नजर आ रही है कि जो तीनों के तीनों यानी कि बिटकॉइन हो गया चाहे ये फी हो गया या फिर ये वाला डी फी आई मनी दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कोईने और दोनों में काफी अच्छा खासा पंप है इवन ये कह सकते हैं कि इन्होंने दोस्तों कल से आज की डेट तक अगर बात की जाए तो लगभग डबल से भी ज्यादा फायदा दे दे इवन ये कह सकते हैं जो डी मनी है इसमें तो लगभग डेढ़ गुना तक का फायदा दिया है दोस्तों डेढ़ गुना नहीं दोस्तों ढाई गुना डबल तो ये ऑलरेडी हो चुका था तो उससे भी ज़्यादा यानी कि 127 से 130 परसेंट का फ़ायदा दिया है अब ये जो टोकन है दोस्तों इनकी जो यूटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसा कि अगर आप मार्केटिंग की भी बात करोगे और ये एक पर्टिकुलर रीजन बेस्ड जो प्रोजेक्ट है इस वजह से दोस्तों ज़्यादातर इनको कोई आपको एडवाइस नहीं करता है आपको यूट्यूब पर भी इनके रिगार्डिंग ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है लेकिन दोस्तों ईयरन डॉट फाइनेंस जो ये टोकन है इसके रिगार्डिंग दोस्तों कई लोगों ने पहले भी ये चीज़ बताई है कि जो लोग बिटकॉइन इथेरियम को मानते हैं कि सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट दे सकते हैं या यही रखते हैं कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने की तो जो ईयर फाइनेंस है इसने कई बार इस चीज़ को गलत साबित किया दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें जो फ्लक्चुएसन आता है वो अलग ही लेवल का आता है ये बिटकॉइन की प्राइस को भी कई बार क्रॉस कर चुका है हालांकि मार्केट कैप के मामले में उससे काफ़ी पीछे रहता है क्योंकि जो इसकी सप्लाई है वो काफ़ी कम है जैसा कि बिटकॉइन की सप्लाई ट्वेंटी वन मिलियन है यानी कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही है तो ई एन जो फाइनेंस है उसकी सप्लाई उससे भी कम है लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बिटकॉइन को कई बार क्रॉस कर चुकी है और कई बार काफ़ी ज़्यादा डाउन में आ सकती आ जाती है जैसा कि 40 लाख 30 लाख तक चली गई फिर तीन चार लाख पे आ जाती है तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएस यानी कि दस दस गुना का प्रॉफिट ये कई बार दे चुका है तो आगे जाके दोस्तों ये चीज़ तो कन्फर्म नहीं की जा सकती लेकिन जो ई एन डॉट फाइनेंस ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिटकॉइन को पकड़ सकता है दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसने ऐसा ही किया क्योंकि जब भी बिटकॉइन में खतरनाक वाला डंप आया और बिटकॉइन जब दोबारा ए की ओर बढ़ाए तो जो यी है यानी कि ई एन डॉट फाइनेंस ये काफी ज्यादा ऊपर गए यानी कि बिटकॉइन की प्राइस को भी इसने क्रॉस किया है तो ये चीज़ दोस्तों हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन काफी अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे रहे होंगे एज यूजल जैसा कि मैंने सात आठ दिन पहले आपको कॉल दी थी दोस्तों लगातार दो तीन वीडियोज मैंने बताए थे जिनमें मैंने कुछ मीम कोइंस कुछ अल्टकॉइन आपको बताए थे जो कि काफी डिप में थे जैसा कि एक्सआरपी हो गया जिलिका हो गया कार्डेनोमेटिक पोलीगन जिसको बोलते हैं वो हो गया सिबा इनू डोज इन तो सभी ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है और जिलिका में दोस्तों अभी भी आप साथ ही रहिए अगर आपने प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक भी कर लिया है तो अगर आपको थोड़ा बहुत मौका मिलता है डिप में बाय करने का हालांकि ऐसे चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी काफी ज़्यादा है मार्केट में तो यहाँ से ये ऊपर ही जाने वाला है लेकिन जिलिका में दोस्तों बड़ी बड़ी इवेंट्स आने वाली हैं आने वाले एक दो महीने के अंदर तो हो सकता है ये अपने ए टी एस की और बढ़ जाए यानी कि पंद्रह रुपये से ज़्यादा इसका प्राइस कभी भी जा सकता है दोस्तों तो पाँच से छः गुना प्रॉफिट देने की ताकत वो रखता है तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखना ये अगर बिटकॉइन की बात की जाए दोस्तों तो अभी भी दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 22 को क्रॉस नहीं किया यानी कि अभी भी ये रजिस्टिव जो रीज़न है उसी में ये मूव कर रहा है तो अभी भी इस पर ख़तरा हो सकता है अगर फड कंटिन्यूसली आता है मार्केट में हालांकि आज की डेट की बात करें पिछले दो दिन से कोई भी फड नहीं है इवन ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है बिटकॉइन और सिबाइनो की रिगार्डिंग दोस्तों परसों के दिन आज से दो दिन पहले फिफ्टी जो लेटिनो ग्रोसरी शॉप से उनके ए इंस्टॉल हुए यूएसए के अंदर दोस्तों तो काफ़ी बड़ी बात है जहां से ये जो क्रेज था यूएस स्टॉक जैसा कि उसके शेयर प्राइस काफी डाउन हो गए थे तो और क्रिप्टो फिर से डाउन गया तो वो यूएसए से स्टार्ट हुआ था और वहीं पर अब सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और कहने के दोस्तों अगर क्रिप्टो की बात करें तो यूएसए सबसे बड़ा हब है क्रिप्टो दुनिया के अंदर तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है और काफ़ी लोग आप में से खुश भी होंगे क्योंकि ज़्यादातर जो कोइन है जहाँ जिन्होंने भी डिप में बाई किया होगा चाहे कोई भी कोइन बाई किया हो सकता है दोस्तों अगर आपने मेरे कोल के अलावा अलग कोइन भी बाई किया हो लेकिन आप फिर भी फायदे में ही हो डेफिनेटली चाहे आप कम फायदे में हो चाहे ज़्यादा फायदे में हो किसी को पाँच फायदा होगा किसी को दस किसी को तीस परसेंट भी हो होगा तो ये सारी चीज़ें चल रही है तो कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियोस है वो काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहे हैं अब प्रॉब्लम दोस्तों मीम कोइन वाले लोगों को है उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि मीम कोइन में दोस्तों लंबे समय तक होल्डिंग करने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम तो आई जाती है और अब आगे दोस्तों आने वाले एक दो महीने बाद जब बिटकॉइन दोस्तों अपने रजिस्टेंस को जैसे जैसे ब्रेक करता है आगे बढ़ेगा तो मार्केट में रैली आएगी कॉइन भी आपको जो आपका लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा ऑब्वियसली तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है और हाँ एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि दो दिन से जैसे मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है तो अभी थोड़ा बहुत अगर इसमें हल्का फुल्का डाउन आ जाए तो उससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं दोस्तों थोड़ा सा और ऊपर गया तो कुछ लोग फिर से सेल करेंगे तो प्रॉफिट हमेशा बुक करते हैं खासकर जो ट्रेडर होते हैं उनका काम ही ये होता है कि प्रॉफिट बुक किया फिर से जैसे उनको एंट्री पॉइंट मिला फिर से एंट्री ले ली तो यह काम चलता रहता है ठीक है तो बिटकॉइन की रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज है जैसा कि मैं आपको आज को दिखा दूँ जैसे कि बायनेस के जो सी उन्होंने बोला है वेरी बिग इंस्टीट्यूशन विल टेक एडवांटेज ऑफ आर जीरो फी बिटकॉइन ट्रेडिंग यानी कि जो बिटकॉइन ट्रेडिंग की जो फीस है वो जीरो परसेंट यानी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन भी कम होता है अगर ट्रांजेक्शन की भी बात करें बिटकॉइन इथेरियम किसी भी क्रिप्टो में ले लो जो कंपेयर टू अदर जो जो ऑर्डनरी करेंसी है उसके कंपेरिजन में तो काफ़ी कम टैक्सेशन होता है तो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है उसका फ़ायदा उठा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये एक यूज केस की के तरह नजर आ रहा है और बिटकॉइन की तरफ इशारा हो रहा है कि ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेट है जो अदर करेंसी है जो चल रही है मार्केट में बिटकॉइन इज़ फ्रीडम ऑफ मनी अब दोस्तों इस पिक्चर में दोस्तों कई लोग इसके रिप्लाइज अगर आप देखोगे तो कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो ये पिक्चर है इसमें दोस्तों जो ये जो सेम ड्रेस वाले सॉरी वो पिक्चर कहाँ गई जो सेम ड्रेस वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो कोप्स है और कोप्स कोप्स का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि वो गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से कई लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको पछाड़ देगी यानी कि जो बैंक वगैरह हैं उन सबको पछाड़ देने वाला है बिटकॉइन और बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन आर्मी जो क्रिप्टो के लवर है वो तो हमेशा से ही साथ ही साथ दोस्तों जो बिटकॉइन मैगजीन है उसने काफ़ी गजब गज़ब के ट्वीट किए हैं लगातार पिछले तीन चार दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है बिटकॉइन को और बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी नजर आ रही है जैसा कि ये पब्लिक है बिटकॉइन को सपोर्ट करी और बिटकॉइन हर कोई को पछाड़ के आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि ये ट्वीट देखिए दोस्तों एक कैफे है नीदरलैंड में वो एक्सेप्टिंग बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड वहाँ पर एक्सेप्ट करता है साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखोगे जो इसके एनालाइज़र हैं बड़े बड़े और जो बड़े बड़े बैंक हैं कंपनीज़ हैं वो हर कोई कहीं ना कहीं रेगुलेशन की बात करें अब दोस्तों रेगुलेशन फ़िलहाल कई कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लेकिन आगे जाके आप सोचिए दोस्तों जैसा कि इस ट्वीट में भी आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन यानी कि हमेशा के लिए फॉर हमेशा के लिए जो दुनिया के अंदर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर जो बिटकॉइन रहने वाले वो रहने वाले 21 मिलियन अब इसके यूज़र डे बाय डे बढ़ रहे हैं जो बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बिटकॉइन दोस्तों ऐसी करेंसी बन चुका है जिसके जो यूज़र्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें आ रही हो लेकिन ये आगे बढ़ता जा रहा है तो इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्तों काफ़ी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा सोचने से क्योंकि इसकी सप्लाई दोस्तों काफ़ी कम है जैसा कि 21 मिलियन है अब यूज़र बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो जो प्रिडिक्शन है जैसा कि हंड्रेड के लगाई जाती थी पहले 2022 एंड तक अभी लगाई जा रही है 2023 फर्स्ट क्वार्टर में तो आप फर्स्ट क्वार्टर की भी सोचिए दोस्तों 2023 के एंड तक भी अगर ये हंड्रेड के तक जाता है तो आप ख़ुद सोचिए दोस्तों जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा हो जाएगा कितना बड़ा उसका मार्केट कैप हो जाएगा और ये चीज़ होना पॉसिबल है दोस्तों क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो नामुमकिन है और ये फैक्ट है दोस्तों क्योंकि बिटकॉइन जैसा कि अगर आप जानते हो मिस्टर बिगवेल है या फिर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनका टैगलाइन बन चुका है कहीं ना कहीं कि जो बैंक हैं वो सैटरडे संडे को उनके वीकेंड्स आते हैं उनकी छुट्टी होती है लेकिन जो बिटकॉइन होता है वो कभी भी सो नहीं सो नहीं रहा है हमेशा से काम करता है चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे वीकेंड हो कुछ भी हो हमेशा से ये काम कर रहा है और करता रहेगा और सबसे बड़ा जो यूज़ कैसे जैसा कि जो बैंक वगैरह ये चीज़ कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं वो क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड कर सकता है और इस चीज़ के लिए दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम चलता है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर दुनिया के अंदर अब इस इस टूट को आप देख लीजिए जूम आउट यानी कि जो बिटकॉइन है अगर आप उसका डेज़ का देखोगे तो इस तरह से उसका ग्राफ नजर आता है अगर आप ईयर्स में देखोगे दोस्तों तो कंटिन्यूसली वो रहा है बड़ी रहे बड़ी रहे रहा है डे बाय डे जैसा कि इसमें क्रैश कई बार आया है अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री देखोगे दोस्तों तो काफ़ी गज़ब की इसकी हिस्ट्री है इसने कम से कम कई बार क्रैश दिखाया और ऐसा क्रैश दिखाया कि लोगों को लगा था कि हम बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि सपोज इसकी जब प्राइस 100 डॉलर पहुंची थी फिर वापस से ये एक डॉलर तक भी आ गया था दो डॉलर तक भी आ गया था तो लोगों को लगा था यार कि पूरा पूरा खत्म हो गया मतलब जितना सौ से सोचो दो डॉलर आ गया तो कितना डाउन हो गया लगभग पचास गुना डाउन अब किसी ने एक मिलियन डॉलर अगर लगाया था तो वो तो ख़त्म ही हो गया तो उसको लगा होगा लेकिन देखियो अगले ही साल इसने ऐसा ए बनाया कि ये सीधा तीन डॉलर से ऊपर चला गया था तो ये चीज़ बिटकॉइन ने हमेशा से की और ये करता रहेगा ये फोर्थ शोर है और दोस्तों जो अभी मैंने अभी जैसा कि रिसेंटली आपको बोला कि जो टैक्सेसन है या फिर रेगुलेशन है अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से टैक्स लगा रही है क्रिप्टो पर तो ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों क्योंकि फिलहाल अभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो टैक्स लगेगा इससे हमारी जो इनकम है वो घट जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों अगर आप सोचिए कि गवर्नमेंट जब इसको रेगुले रेगुलेट कर रही है तो उनको भी टैक्स मिलेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से कंट्री को फ़ायदा होने वाला है अगर उनको फ़ायदा होगा तो वो आगे जाकर दोस्तों रेगुलेट करने के बाद में क्रिप्टो को भी सपोर्ट करने वाले हैं डेफिनेटली तो ओवरऑल क्रिप्टो काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं दोस्तों अब इसके अलावा दोस्तों एक काफ़ी बड़ी जो ट्रेंड सबसे बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो पूरी की पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए क्योंकि हालांकि ये जो पार्टनरशिप हुई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अब इसको हर कोई जानता होगा दोस्तों जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं क्रिकेट का भगवान तो भैया ये फुटबॉल के भगवान हैं इसको हर कोई जानता है अगर इस इनके फॉलोवर आप देखोगे ट्विटर पर तो काफ़ी ज़्यादा हैं एक सौ एक मिलियन से भी ज़्यादा है तो इनकी पार्टनरशिप हुई है बाइनेंस एक्सचेंज के साथ दो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज उसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है और वो हुई है दोस्तों एन एफ टी गेम को रिलेटेड अब दोस्तों एन एफ टी का भी क्रेज बढ़ने वाला है बढ़ता जाएगा इस तरह के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अगर साथ आएंगे तो भैया क्रिप्टो का कितना भी ऊपर जा सकता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते और दोस्तों बी की चाहे बात करो चाहे बीएनबी की बात करो चाहे एनएफटी की बात करो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन से ही रिलेटेड है तो ओवरऑल ब्लॉकचेन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है कहीं ना कहीं और उसी वजह से दोस्तों जो क्रिप्टो है वो भी काफ़ी ऊपर जाने वाला है अब सीधा सीधा दोस्तों सी की ओर बढ़ते हैं सी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं कंटिन्यूअली वीडियोज बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सी के रिगार्डिंग मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिस हूँ मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप जिसने भी डिप में इसको खरीदा होगा तो काफ़ी ज़्यादा फायदे में ऑलरेडी है जैसा कि चालीस पैंतालीस के वो फायदे में ऑलरेडी हो चुका होगा सपोज़ किसी ने एक हज़ार तो वो पंद्रह तो बनी तो काफ़ी खुश तो वो होंगे लेकिन दोस्तों अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो सबा में तो काफी अच्छी बात है लेकिन आपको थोड़ा बहुत अमाउंट दोस्तों यानी कि जितना भी आप एफोर्ड कर सकते हो आप इसको अल्ट कॉइन की तरह समझिए मेम कॉइन की जैसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ सौ रुपए डालिए या दो सौ रुपये डालिए थोड़ा सा एक रख सकते हो आप इसमें क्योंकि सीबा इन अपने ए की ओर काफी जल्दी बढ़ सकता है अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों सीबी सी बी जो इसकी ब्लॉकचेन आने वाली है उसका दोस्तों जो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि कब वो लॉन्च हो सकती है तो इसी साल वो लॉन्च होने वाली ये चीज़ श्योर हो चुकी है दोस्तों लेकिन क्वार्टर फोर का चर्चे हो रहे हैं कि क्वार्टर फोर में वो होने वाली है यानी कि सितंबर से पहले वो लॉन्च नहीं होगी लेकिन उसके बाद में वो हो सकती है कभी भी चाहे वो सितंबर में हो सकती है अक्टूबर में भी हो सकती है लेकिन जैसे ही सी बी ब्लॉक आएगी तो इसमें दोस्तों काफ़ी तगड़ी रैली देखने को मिलेगी ये फोर शोर है क्योंकि उसके मेटा वर्जन तीन स्टेज में आने वाले हैं तो लोग उसको टेस्ट कर पाएंगे और उसमें काफ़ी इंप्लीमेंटेशन हो पाएंगे इसी वजह से क्योंकि किसी भी चीज़ का जो बेटा वर्जन आएगा पहले अगर सपोज जैसा कि कोई सॉफ्टवेयर भी होता है अगर उसका बेटा वर्जन आता है जैसे कि फिलहाल काफ़ी ट्रेंड में है अगर आपने सुना होगा टास्क मेट जो कि गूगल की तरफ से एक ऐप है जहाँ से लोग छोटे मोटे टास्क करके अर्निंग भी कर पाएंगे आप में से कई लोग यूज़ करते होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें दोस्तों मैं खुद भी टास्क मेट को यूज़ करता हूँ आप भी क्या करें क्योंकि उसमें अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो सकती है थोड़ा सोच समझ के आप उसको चलाइए क्योंकि टास्क मेट अभी बेटा वर्जन में है आगे जाके उसमें काफ़ी ज़्यादा टास्क और एड होने वाले तो उसी तरह से दोस्तों उसमें इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छे हो पाएंगे क्योंकि बेटा वर्जन का मतलब भी होता है कि लोग काफी ज्यादा उसको टेस्ट कर रहे होते हैं फीडबैक वगैरह दे रहे होते हैं तो सीबीरियम ब्लॉकचेन काफी ज्यादा तगड़ी रहने वाली गेम चेंजर रहने वाली सी बाइनू के अंदर और दोस्तों वहाँ से कुछ लोग ये जो पूछ रहे हैं कि एक रुपये तक इसका प्राइस जा सकता है नहीं जा सकता अभी से सप्लाई के साथ तो दोस्तों इसका प्राइस एक रुपये तक जाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन दस पैसे तक काफ़ी आसानी से जा सकता है क्योंकि दस पैसे तक जाने के लिए इसकी जो मार्केट कैप है इसको दो सौ बिलियन के आसपास जाना पड़ेगा और ये वो जा भी सकती है क्योंकि अगर टॉप फाइव में भी अगर सी आता है तो ये चीज़ ये काफ़ी आसानी से कर सकता है और दोस्तों आने वाला जो एक साल रहेगा या छः महीने रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहने वाले क्रिप्टो के लिए इसका जो ओवरऑल जो है ये भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जो ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट है पूरे क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की जो कि थ्री ट्रिलियन मैक्सिमम गया था वो छः ट्रिलियन भी जा सकता है तो अगर वो छः ट्रिलियन जा सकता है तो सीबाइनो का जो मार्केट कैप है वो भी दोस्तों दो सौ बिलियन आराम से जा सकता है अब सीबाइनो बनने की अगर बात करें तो पिछले दो दिनों से अगर देखा जाए तो बर्निंग रेट में फिर से इजाफा हुआ है जैसा कि अगर कल की डेट की आज की डेट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कल की डेट की अगर बात करें तो लगभग 80 मिलियन सिबा इनो टोकन बर्न हुआ अब यहाँ पर 75 मिलियन से हो रहा है क्योंकि ये ट्रेंड ट्रांजेक्शन का ही बता रहे हैं आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन काफ़ी हुए हैं जिनमें किसी में हज़ारों में बर्निंग होती है तो सिप बर्न पोर्टल उन ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एड नहीं करता है इस चीज़ को मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ अगर आपको एक्जैक्टली exactly चाहिए कि कितना बर्न हुआ है तो आपको इधर स्क्रीन पर जाकर चेक करना ही पड़ेगा और दोस्तों कल की डेट में जो बर्निंग हुई थी वो हुई थी अप्रोक्स सेवेंटी मिलियन अभी हुई है एट्टी मिलियन तो थोड़ी सी बढ़ गई है वापस से और उसके एक दिन पहले सिर्फ बारह मिलियन टोकन बर्न हुए थे तो लोग घबरा गए थे कि बर्निंग रेट अचानक से क्यों गिर गई है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों बर्निंग कंटिन्यूसली जारी है सी के अंदर और आगे और बढ़ने वाली है दोस्तों जैसे जैसे क्योंकि डिप में बढ़ गई थी अभी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है सी का पिछले पाँच दिनों से और लगातार दोस्तों लोग ट्रेडिंग भी इसमें कर रहे हैं अच्छा खासा सेलिंग पर सेलिंग भी दिख रहा है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब सेलिंग और परचेजिंग दोनों हो रही हैं लेकिन फिर भी जो इसका प्राइस है वो लगातार ऊपर जा रहा है अब रही बात दोस्तों इंडिया में टैक्स सेशन की अब एक चीज़ और आ गई हालांकि लोगों को वो आफत लग रही जी एस की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मैक्सिमम इंडिया में लगती है ट्वेंटी एट परसेंट अब जिस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट और बैंक क्रिप्टो को प्यार करते हैं प्यार मतलब प्यार तो नहीं करते नफ़रत ही करते हैं इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो जी एस टी है वो मैक्सिमम लगने वाली यानी कि ट्वेंटी एट परसेंट ही लगने वाली यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है वन परसेंट हो गया टी डी एस और जो थर्टी परसेंट टैक्स तो इन्होंने ऑलरेडी बिल पास कर ही दिया है तो टोटल टैक्स हो गया दोस्तों फिफ्टी नाइन परसेंट हमारा क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर लेकिन इसमें भी दोस्तों राहत वाली कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि कोई स्विच कुबेर ने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो वन परसेंट टी रहने वाला है तो रेयर रेयर केस पहले दिखा देता हूं मैं आपको जहां पर यह है कि अगर आप बाय करते हो तो आपका टी लगेगा ही नहीं दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है कि जब आप बाय करोगे तो आपका टी नहीं लगने वाला अब रेयर केस में बता रहे हैं कि एक का टी लगेगा अब ये एक परसेंट का टी जब लगेगा जब हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करेंगे अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो वजी एक्स हो गया कोइन स्विच हो गया या कोईन डी हो गया ज़्यादातर ये अलाउ ही नहीं करते हैं विद्रॉ करना क्रिप्टो को क्योंकि अगर आप और, और अगर करते भी हो तो ज़्यादातर बिटकॉइन या टीआरएक्स को ही करते हैं क्योंकि उनमें फीस काफ़ी कम लगती है इस वजह से उन्हीं का ट्रांजेक्शन होता है तो ज़्यादातर जो अदर क्रिप्टो हैं बाकी की उनमें कोई क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है तो ये काफ़ी रेयर केस हो गया तो ये लगेगा नहीं इसके अलावा दोस्तों सेलिंग में हमेशा आपका डेफिनेटली एक परसेंट टीडीएस लगने वाला है अब कुछ लोग दोस्तों इस चीज से काफी घबरा जाते हैं कि एक परसेंट टीडीएस यार क्या बात हुई तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि सौ रुपये भी एक रुपये लगेगा ऐसा नहीं होता है परसेंटेज जो आर की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा होता है कि एक हज़ार रुपये भी एक रुपये घटेगा यानी कि अगर आप एक हज़ार का ट्रांजेक्शन कभी भी करोगे चाहे आप सपोज जैसे कि आप अगर एक्स खरीद रहे हो एक का तो आपका कोई टी लग ही नहीं रहा है क्योंकि एक का आपने खरीदा और एक का ही आपको मिल जाएगा लेकिन जैसे आप अगर उसको सेल करोगे सपोज आपने एक का एक्सआरपी सेल किया या कोई भी अदर टोकन सेल किया तो आपको नौ सौ निन्यानवे रुपये मिलने वाले हैं उसके एक परसेंट टी डी एस जो है वो ऑलरेडी एक्सचेंज काट लेगा अब ये चीज़ भी आप ध्यान रखना ये एक सारा कुछ जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो खुद एक्सचेंज इसको परफॉर्म करने वाला है हमको कोई अलग से जाकर जी एस टी आए जी एस टी आई नंबर नहीं बनवाना है या फिर कोई इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर टैक्स नहीं देना है इस तरह की कोई झंझट नहीं है कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं मुझे कमेंट में तो वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि एक्सचेंज खुद इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं अब जी की फिलहाल बात नहीं करते हैं क्योंकि जी दोस्तों जो अभी आने वाली इसी महीने की जो 28 उनतीस तारीख है वहाँ पर मीटिंग होने वाली और वहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि जी कितना लगने वाला है क्रिप्टो पर उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार कि जो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम है वो किस तरह से रहने वाला है ज़्यादातर करेंसी दोस्तों क्रिप्टो को ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिप्टो को रेगुलेट कर रही हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है अब इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो मैं आपको काफ़ी जल्दी बताऊंगा एक स्पेशल एपिसोड बनाकर फिलहाल के लिए यही था क्रिप्टो और सिबाइनों के रिगार्डिंग बिटकॉइन के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं फिलहाल के लिए बाय बाय थैंक यू